नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दुष्कर्म के आरोपितों को भेजा गया बाल सुधार गृह। चार दिन पहले गांव निवासी एक किशोर द्वारा मवेशी चराने के दौरान नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर वांछित धाराओं में भेजा बाल सुधार गृह। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने बीते बुधवार को थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मंगलवार को 10 वर्षीय पुत्री पालतू मवेशी चराने गांव के बाहर खेतों की तरफ गई थी, जहां गांव निवासी किशोर हिमांशु कुमार भी अपने मवेशी चरा रहा था। पीड़िता के पिता ने बताया कि साथ मवेशी चुरा रहे हिमांशु कुमार ने उसकी पुत्री के साथ बदनीयती से छेड़छाड़ की। पिता की तहरीर पर किशोर के खिलाफ वांछित धाराओं में अभियोग दर्ज कर थाना पुलिस ने टीम बनाकर युवक की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। शुक्रवार को वांछित युवक के अपने घर में होने की जानकारी मिलने पर सक्रियता दिखाते हुए अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने हमराही मनोज अत्री के साथ ग्राम दशहरी स्थित उसके घर से उसे हिरासत में ले लिया। थाना पुलिस ने किशोर का चिकित्सीय परीक्षण कराकर नाबालिग को उचित धाराओं में भेजा बाल सुधार गृह। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।